दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद नवल पर हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। चलिए दोस्तों आज के करंट अफेयर्स की सीरीज़ को शुरू करते हैं। इनमें जितने भी एमसीक्यूज दिए गए हैं आप उनका प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं उनको आप नोट डाउन करके कंटिन्यूस उनका रिवाइज करते रहिए। तो चलिए आज की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू लोकपाल ऑफ पंजाब। निम्नलिखित में से किसे पंजाब के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जस्टिस एस मनी कुमार, ऑप्शन बी जस्टिस विनोद कुमार शर्मा, ऑप्शन सी जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी या फिर ऑप्शन डी जस्टिस रविशंकर झा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, जस्टिस विनोद कुमार शर्मा को पंजाब के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब सरकार ने जस्टिस विनोद कुमार शर्मा को पंजाब के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया है। ये जो पोस्ट है यह आपकी वैकेंट पड़ी हुई थी 23 अप्रैल 2018 से, जब जस्टिस सतीश कुमार मित्तल ने इस पोस्ट से रिज़ाइन किया था। लोकपाल जो होते हैं अपने ऑफिस को 6 साल के लिए होल्ड करते हैं। लोकपाल होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट्रेस हैज़ बीन नेम यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर फॉर इंडिजीनियस पीपल। निम्नलिखित में से किस एक्ट्रेस को यूनेस्को द्वारा स्वदेशी लोगों के लिए सद्भावना राजदूत के रूप में चुना गया? ऑप्शन ए कैट डेल कैस्टिलो, ऑप्शन बी सलमा हायक, ऑप्शन सी यालेडजा एपरसियो या फिर ऑप्शन डी मैरिना डी टैवीरा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी, यालेडजा एपरसियो को सद्भावना राजदूत के रूप में यूनेस्को द्वारा चुना गया है। अब यालेडजा एपरसियो को क्यों चुना गया है? उनका जो कमिटमेंट है टू फाइट रेसिज्म और जो एडवोकेट करती हैं वो फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड इंडिजीनियस राइट्स, नस्लवाद के प्रति विरोध और जेंडर इक्वालिटी और स्वदेशी लोगों के अधिकार के लिए प्रतिबद्ध रहने के लिए इन्हें सद्भावना राजदूत के रूप में चुना गया है। साथ ही साथ इन्हें अल्फांसो क्योरांस की फिल्म रोमा में प्ले करने के लिए भी चूज़ किया गया है और इस फिल्म में इन्होंने स्वदेशी भाषा के साथ साथ स्पेनिश का भी प्रयोग किया है। टाइम मैगजीन ने इन्हें सन 2019 में 100 मोस्ट पावरफुल पर्सन में से एक के रूप में नियुक्त किया है, लिस्ट किया था। साथ ही साथ ये पहली स्वदेशी मैक्सिकन वुमन है जिन्हें US अकेडमी अवार्ड्स के थ्रू पुरस्कृत किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड इको फ्रेंडली क्रैकर्स टू फाइट एयर पोल्यूशन। इट वॉज लॉन्च बाई, भारत सरकार ने वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए या उसे कम करने के लिए इको फ्रेंडली पटाखे लॉन्च किया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए नितिन गडकरी या फिर ऑप्शन बी पीयूष गोयल या फिर ऑप्शन सी हर्षवर्धन या फिर ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह तोमर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, हर्षवर्धन जी के द्वारा इन्हें लॉन्च किया गया है। अब डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और इनके द्वारा इको फ्रेंडली पटाखे जिनको बोलते हैं ग्रीन फायर क्रैकर्स, इसको लॉन्च किया गया है। ये जो फायर क्रैकर्स हैं ये भारत में ही मैन्युफैक्चर हुए हैं। इनमें एक ग्रीन लोगो है और साथ ही साथ एक क्विक रिस्पॉन्स कोडिंग सिस्टम भी है जो इन्हें कन्वेंशनल पटाखों से अलग करता है। इसके द्वारा हम कन्वेंशनल और ग्रीन पटाखों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये ग्रीन लोगो और क्विक रिस्पॉन्स कोड के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द जापान ओपन टाइटल 2019। किसने 2019 का जापान ओपन टाइटल का खिताब जीता है? ऑप्शन ए जॉन मिलमैन या फिर ऑप्शन बी रॉजर फेडरर या फिर ऑप्शन सी नोवाक दजकोविक या फिर ऑप्शन डी राफेल नदाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, नोवाक दजकोविक ने 2019 का जापान ओपन टाइटल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग जज
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट, निम्नलिखित में से किन्हें केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन ए एस मनी कुमार, ऑप्शन बी एस रविंद्र भट्ट, ऑप्शन सी वी रामा सुब्रमण्यम या फिर ऑप्शन डी कृष्णा मुरारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, एस मनी कुमार को केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया है। फ्रेंड्स, मैंने जिन सात हाई कोर्ट्स में जो सात न्यू जस्टिस को अपॉइंट किया गया है उसकी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, उनमें इन सातों जज के नाम हैं और भी कुछ बताया गया है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च विलेज सेक्रेटरियल प्रोग्राम इन अक्टूबर 2019? ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने या किस राज्य ने अपने राज्य में ग्राम सचिवालय कार्यक्रम की शुरुआत की है इन अक्टूबर 2019 में? ऑप्शन ए तेलंगाना या फिर ऑप्शन बी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ ग्राम सचिवालय कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में ग्राम सचिवालय प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस नए प्रणाली के अंतर्गत या इस नए प्रणाली के तहत 2000 की आबादी के लिए एक ग्राम सचिवालय की स्थापना की गई है, जिसमें से प्रत्येक में एक दर्जन से अधिक गाँव के अधिकारी शामिल हैं। अब ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं वो ज़मीनी स्तर पर लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, इसको इंश्योर करने के लिए ये ग्राम सचिवालय कार्यक्रम की शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ LED स्ट्रीट लाइट्स इन कंट्री हैज़ डबल टू डैश करोर इन 2019। देश में LED स्ट्रीट लाइट की संख्या दोगुनी होकर कितनी करोड़ हो चुकी है 2019 में? ऑप्शन ए 49 लाख्स या फिर ऑप्शन बी 1 करोड़ या फिर ऑप्शन सी 2 करोड़ या फिर ऑप्शन डी 4 करोड़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 1 करोड़। तो देश में LED स्ट्रीट लाइट की जो संख्या है वो मार्च 2018 के 49 लाख से बढ़कर 1 अक्टूबर 2019 में 1 करोड़ हो गई है। ये जो लाइट्स है, इन लाइट्स का जो इंस्टॉलेशन हो रहा है वो स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत हो रहा है, और ये जो स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम है इसे 5 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इन अक्टूबर 2019? निम्नलिखित में से किसे कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मोइंदर अमरनाथ, ऑप्शन बी रॉजर बिन्नी, ऑप्शन सी सैयद किरमानी या फिर ऑप्शन डी संदीप पाटिल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, रॉजर बिन्नी को कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ जे अभिराम को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और संतोष मेनन को सचिव सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनर्ड विथ भारत संचार निगम लिमिटेड टू ऑफर अ स्मार्ट वाईफाई ऑन बोर्ड सर्व फीचर अक्रॉस इंडिया? निम्नलिखित में से किसने भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ पूरे भारत में स्मार्ट वाईफाई ऑन बोर्डिंग सुविधा की पेशकश की? ऑप्शन ए गूगल या फिर ऑप्शन बी पेटीएम या फिर ऑप्शन सी एयरटेल या फिर ऑप्शन डी रिलायंस।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, पेटीएम। अब भारत संचार निगम लिमिटेड ने भारत में स्मार्ट वाईफाई ऑनबोर्डिंग सुविधा की पेशकश करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी या भागीदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य है सार्वजनिक वाईफाई को अपनाने में क्रांति लाना। बीएसएनएल और पेटीएम एक साथ काम कर रहे हैं ताकि डिजिटल फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए अधिक हॉटस्पॉट स्थानों को सक्षम किया जाए, ठीक है। और ये जो मूव है, ये जो कदम है, ये एक डिजिटल और संयुक्त भारत के मिशन को बढ़ावा देगा, ठीक है। ये जो मूव है ना, ये बूस्ट करेगा द मिशन ऑफ अ डिजिटल एंड कनेक्टेड इंडिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड एमपी हेमा मालिनी इनॉग्रेट द कंट्रीज फर्स्ट प्लास्टिक टू डीजल कन्वर्जन प्लांट। सांसद हेमा मालिनी ने देश के पहले प्लास्टिक से डीजल रूपांतरण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया था? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी गुजरात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अब जो हेमा मालिनी जी हैं वो मथुरा की सांसद है, तो मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्लास्टिक से डीजल रूपांतरण के पहले संयंत्र का उद्घाटन किया है। ये जो मॉडल है अब मथुरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मथुरा नगर निगम के खाई मैदान में पूर्ण पैमाने पर काम कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट वन लाइनर। इसमें गाइस पिछले हफ्ता के भी होंगे और 6 महीने के अंदर के भी होंगे। अगर हम साथ साथ इनको करते रहेंगे इम्पॉर्टेंट वन लाइनर को एनी करंट अफेयर सीरीज़ के साथ, तो हमें बहुत कुछ याद भी रहेगा। तो चलिए देखते हैं। नोवामी ओसाका ने बीट किया एशले बार्डली को चाइना ओपन 2019 का खिताब जीतने के लिए। तो चाइना ओपन 2019 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है नोवामी ओसाका ने। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के CM ने लॉन्च किया है अवेयरनेस कैंपेन्स ऊर्जागिरी को ताकि पावर की चोरी को रोक सके। नेक्स्ट है, उड़ीसा के CM नवीन पटनायक ने लॉन्च किया है मो सरकार। और ये सरकार क्यों लॉन्च किया है? ताकि गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा सके। किसके द्वारा? फीडबैक को कलेक्ट करने के द्वारा, पीपल लोगों के द्वारा फीडबैक को कलेक्ट करना। किसका फीडबैक? कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनका बिहेवियर और प्रोफेशनलिज्म कैसा है, इसके ज़रिए गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो ये मो सरकार का इनिशिएटिव है जिसे उड़ीसा के CM नवीन पटनायक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश कुमार पारदेसी को अपॉइंट किया गया है एज नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू न्यूई। तो इंडिया टू न्यूई के जो नए हाई कमिश्नर हैं वो हैं मुकेश कुमार पारदेसी। उत्तराखंड के गवर्नर का नाम क्या है? तो वो है बेबी रानी मौर्य, ठीक है। उड़ीसा के गवर्नर का नाम क्या है? तो वो है गणेशी लाल। पंजाब के गवर्नर का नाम क्या है? तो वो है VP सिंह बडनोर, पंजाब के गवर्नर का नाम है। राजस्थान भारत का तीसरा स्टेट बना है जिसने पान मसाला एवं तंबाकू पर बैन लगाया है। तो पहले दो राज्य कौन से हैं? तो वो हैं महाराष्ट्र और आपका बिहार। नेक्स्ट है, ऑथर ऑफ इंडिया एंड द नीदरलैंड्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इंडिया एंड द नीदरलैंड्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इस किताब के ऑथर कौन हैं? तो वो हैं वेनु राजा मौनी। नेक्स्ट है, एशिया का लार्जेस्ट तुलिप गार्डन कहाँ पर है? तो एशिया का जो लार्जेस्ट तुलिप गार्डन है वो आपका श्रीनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिन कन्फर्ड विथ ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल।
the highest civilian award of Russia for his contribution on bilateral ties. तो ये अवार्ड किसे मिला? ये अवार्ड मिला है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेपो रेट अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वॉज रिड्यूस फ्रॉम 5.4% टू 5.15%. जो हमारा रेपो रेट है उसको रिड्यूस किया गया है 5.40% से 5.15% पर. तो गाइस, आज की हमारी जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है वो यहीं तक थी. आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी. आप इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने विचार बता सकते हैं. हम ऐसे करंट अफेयर्स की सीरीज़ और आपके लिए लाएंगे ताकि ये आपके आने वाले जीएस एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित हो. इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देता हूँ. नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम.